नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साल 1975 में रमेश सिप्पी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म शोले रिलीज हुई थी। इसमें गब्बर, सांभा और जय वीरू के अलावा ठाकुर की ही चर्चा हुई थी। इसी में एक इमाम चाचा भी थे, जिन्होंने भी एक अहम किरदार निभाया था। उसमें इनका ही वो डायलॉग था जो आज भी फेमस है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। उनका असल नाम अवतार किशन हंगल था, अब वो हमारे बीच नहीं है। 2012 में उनका निधन हो गया था। उन्होंने उस दौर की तमाम मूवीज में शानदार काम किया था और अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। एके हंगल ने 225 फिल्मों में काम किया था, और वो कम उम्र में नहीं बल्कि 52 साल की उम्र में इंडस्ट्री से जुड़े थे। इनका जन्म सियालकोट में 1914 में हुआ था। अब ये जगह पाकिस्तान में है। कश्मीरी पंडित परिवार से ये ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपना बचपन और लड़कपन पेशावर में बिताया था, यहीं पर थिएटर करना शुरू कर दिया था। हालांकि इसके पहले उन्होंने बतौर दर्जी की नौकरी की थी। एके हंगल ने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी थी। वो 1929 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार रहे। वो 1936 में पेशावर के एक थिएटर समूह श्री संगीत प्रिया मंडल में शामिल हुए, और 1946 तक अविभाजित भारत में कई नाटकों में एक्ट करते रहे। पाकिस्तान में 3 साल जेल में रहने के बाद 1949 में भारत के विभाजन के बाद वो बंबई चले आए। कहा जाता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर एके हंगल हिस्सा लेते, जो शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को पसंद नहीं था, इसलिए उनकी पार्टी ने एक्टर की फिल्मों को बैन कर दिया था। एके हंगल ने कई फिल्मों में काम किया। 225 फिल्में करने के बाद उन्हें 2006 में हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वहीं 8 फरवरी 2011 को हंगल ने मुंबई में फैशन डिजाइनर रियाज गंजी की समर लाइन के लिए व्हीलचेयर में रैंप और वॉक किया था। एके हंगल 2007 में बीमार हो गए थे, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। 2011 में उन्हें बॉलीवुड सितारों ने पैसे दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने 20 लाख रुपए की सहायता की थी। एक्टर ने 2012 तक काम किया था। उन्होंने टीवी सीरियल मधुबाला, एक इश्क एक जुनून में भी काम किया था, हालांकि उनका रोल बहुत ही छोटा था। एके हंगल का 97 साल की उम्र में निधन हो गया था। बाथरूम में गिरने के कारण उनकी जांघ की हड्डी टूटने के 3 दिन बाद 16 अगस्त 2012 को मुंबई के सांता क्रूज में आशा पारेख हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बेटे ने बताया था कि पीठ में चोट लगी थी और सर्जरी करानी थी, इसलिए भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उन्हें सांस लेने की शिकायत हुई। 26 अगस्त को उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। डॉक्टर ने बताया था कि उनके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एके हंगल के निधन पर राकेश बेदी, इला अरुण और रजा मुराद जैसे ही कलाकार पहुंचे थे, लेकिन दिग्गज एक्टर्स नदारद रहे थे। इन्होंने राजेश खन्ना के साथ एक दो नहीं बल्कि 16 मूवीज में काम किया था। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।